में एक बात बताने की जो कोशिश की गई है, हालांकि वो सच्चाई है। एक नगर सेवक जब स्वर्गीय आनंद दिघे जी को पेड़ा खिलाने के लिए आता है तो उससे पूछते हैं कि कितना दिन हुआ नगर सेवक बनकर, तो उस नगर सेवक ने बताया कि 6 महीना। तो आनंद दिघे साहब ने उस नगर सेवक की पिटाई कर दी, क्योंकि उसने कार खरीदा था नई और उसी खुशी में पेड़ा खिलाने आया था। भिवंडी शहर में यूं तो 90 नगर सेवक हैं, मगर भिवंडी शहर में लगभग 300 के ऊपर ऐसी कारें दिखाई देंगी जिस पे नगर सेवक सभापति इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। नमस्कार, आदाब। ये चेहरा नई पीढ़ी के लिए अनजाना ज़रूर हो सकता है, मगर जहाँ से मैंने पत्रकारिता शुरू की है वहाँ से ये चेहरा मेरे लिए और महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये चेहरा जाना माना चेहरा है और नाम है स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे। मैं इस वक्त भिवंडी शहर में हूँ और भिवंडी शहर का ये हसीन सिनेमा है और इस वक्त मेरे साथ में शिवसेना पार्टी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष तुफैल फारूकी और साथ में पूरी टीम मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि आज की ये फिल्म धर्मवीर कैसी रही। भिवंडी शहर में कभी भी तनाव होता था क्योंकि भिवंडी शहर अति संवेदनशील शहरों में से एक शहर माना जाता है। तब आनंद दिघे थाना से थोड़ी देर में भिवंडी पहुंचते थे। भिवंडी शहर का शायद ही ऐसा कोई रास्ता होगा जहां आनंद दिघे के कदम ना पड़े हों। बहरहाल आनंद दिघे को मैंने बहुत करीब से देखा है, टेम्बी नाका उनके कार्यालय से भी और भिवंडी शहर से भी। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ में शिवसेना पार्टी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष मौजूद हैं तुफैल फारूकी साहब। उनसे बात करेंगे कि आज की ये फिल्म धर्मवीर उन्हें कैसी लगी। तुफैल भाई, क्या कहेंगे, धर्मवीर आनंद दिघे की जो कहानी है वो तो बहुत बड़ी है, मगर थोड़ी सी फिल्मों में दिखाने की कोशिश की गई है, तो क्या कहेंगे, क्योंकि फिल्म आपने देखा है। जी जी, देखिए, मूवी आनंद दिघे साहब के जीवन पे जो आधारित करके ये मूवी बनाई गई है। मैं बहुत बहुत इस डायरेक्टर को, जिसने भी ये फिल्म को बनाया है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी मूवी बनाई, उनके जीवन पे जो बनाई। लेकिन इस मूवी से कई गुना ज़्यादा उनका कद और उनका काम बड़ा था। शायद उनके लिए ये 2-3 घंटे में उनके पूरे जीवन की आख्या करना या किसी के लिए एक फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं था। आनंद दिघे साहब एक बहुत महान हस्ती थे और एक वो धर्मवीर थे। हर समाज के लोगों के साथ उनकी प्रेरणा थी और सत्य के साथ हमेशा वो रहते थे। कभी भी किसी भी तरीके का कहीं भी कोई अन्याय होता था, जिस तरीके से आप लोगों ने फिल्म में भी देखा, ऐसे अनेक हजारों इस तरीके से मामले उनके पास आए हैं और हम लोगों की जो जानकारी या जो हम लोगों ने सुना है या देखा है, क्योंकि मैं काप में रहा हूँ बचपन से और अप्पा पडियाल साहब के हमेशा क्लोज में रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझको आनंद दिघे साहब के बारे में मालूम आते रहती थी, क्योंकि मैं, मेरा बचपना जो है काप गली में गया है। तो बहुत महान हस्ती थी और वो किसी एक जात एक धर्म के लिए नहीं थे, वो अपने धर्म के लिए सच्चे धार्मिक तो थे और अच्छा इंसान थे। सबसे बेहतरीन चीज़ है कि एक बहुत अच्छे इंसान थे, वो अपने धर्म के लिए भी उसी तरीके से धार्मिक थे और सभी समाज के धर्म के लोगों का सम्मान करते थे। ये उनके अंदर बड़ी खासियत थी। कभी भी कोई आदमी उनके पास कोई भी मामला लेकर गया, जिस तरीके से आपने कहा कि भिवंडी के अंदर कुछ मामला, जब कभी कोई भाईचारा को खतरा आता था तो आनंद दिघे साहब थाना से आके वो मसले को हल करते थे। बिल्कुल यकीनन बहुत सारे मसले ऐसे हुए, कभी कभी हमारे बीच में कुछ तनाव जब पैदा हुआ तो आनंद दिघे साहब की हमेशा यहाँ पर खास नज़र रहती थी। भिवंडी की भाईचारा को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कायम किया और मैं तो इस भिवंडी की आज जो भाईचारा सबसे बेहतरीन है, इसमें बहुत बड़ा योगदान आनंद दिघे साहब का है। जब उन्होंने जिस तरीके से हर मसलों का हल निकाला, यहाँ की भाईचारा जो थोड़ा नाइतफाकी थी लोगों के बीच में, नफरत थी, वो ख़त्म हुई और यहाँ की भाईचारा जो आज तक अच्छे तरीके से सब जात और सब धर्म के लोग भिवंडी में रह रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है मैं आनंद दिघे साहब को देना चाहता हूँ। और जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया, अन्याय के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, अपने पक्ष के लिए उन्होंने जान लगाई और अपने पक्ष को बढ़ाया, लोगों को जागरूक किया, ये एक सीख देता है। आज जिस तरीके से सियासत या राजकरण में लोग स्वार्थ के लिए करते हैं, उन्होंने दिखाया कि स्वार्थ जो है राजनीति में, स्वार्थ के लिए जगह नहीं। अगर आप राजनीति करते हैं तो आपको सेवा भाव से करना पड़ेगा,
ये एक सबसे बेहतरीन चीज आनंद डीके साहब ने करके दिखाया। उन्होंने अपने लिए स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है स्वार्थ के लिए और लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज इसीलिए उनको महान कहा जाता है। और आनंद डीके साहब ने इसके अंदर एक चीज फिल्म में और दिखाई गई, जिस तरीके से राजकरण में आने के बाद लोग पैसे वगैरह के पीछे लग के कमाने के चक्कर में पक्ष और पार्टी के साथ ये करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और एक पक्ष से छोड़ के दूसरे पक्ष में, वो एक सीख दिया गया है कि अपने पक्ष के साथ अपने पार्टी के साथ वफादार रहो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आशाएं आपसे जुड़ी रहती हैं और जब आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे समाज के लोगों का नुकसान होता है, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम उन्होंने किया और बहुत अच्छा मूवी बनी और बहुत अच्छा उन्होंने सीख दिया। उसके हर फिल्म के अंदर एक एक सीन जो दिखाई गई है, आज के राजकरण के लोग जो भी राजनीति में सक्रिय हैं, आज राजनीति में सत्ता में हैं, पावर में हैं, चाहे वो महापौर हो या एमएलए हो या एमपी हो, वो लोगों को एक सीख लेना चाहिए और सेवा भाव से लोगों को सेवा करना चाहिए, स्वार्थ भाव से नहीं। शुक्रिया। और आनंद डीके साहब के लिए मैं यही कहूंगा कि हजारों साल हिना अपनी बेनूरी पे रोती है तब जाकर कहीं होता है एक दीदावर पैदा, ऐसे हमारे महान हस्ती आनंद डीके साहब। और उनके आज जिस तरीके से हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, जैसे फिल्म में दिखाया गया है, उसी तरीके से आज उसी मार्ग पर चल के लोगों की सेवा भाव से काम कर रहे हैं और हम लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती है, इसलिए हम शिवसैनिक। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिल्म में एक बात बताने की जो कोशिश की गई, हालांकि वो सच्चाई है, एक नगर सेवक जब स्वर्गीय आनंद डीके जी को पेड़ा खिलाने के लिए आता है तो उससे पूछते हैं कि कितना दिन हुआ नगर सेवक बनकर, तो उस नगर सेवक ने बताया कि 6 महीना। तो आनंद डीके साहब ने उस नगर सेवक की पिटाई कर दी, क्योंकि उसने कार खरीदा था नई और उसी खुशी में पेड़ा खिलाने आया था। भिवंडी शहर में यूं तो 90 नगर सेवक हैं, मगर भिवंडी शहर में लगभग 300 के ऊपर ऐसी कारें दिखाई देंगी जिस पर नगर सेवक सभापति इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। और भिवंडी शहर में एक बार नगर सेवक बनने के बाद उसकी 5 पुश्तें बड़े आराम से खाती पीती हैं, मगर आनंद डीके साहब की जो सोच थी वो अलग थी और आज की राजनीति की जो सोच है वो अलग है। मैं सलमान मेमन के साथ खान फखरे आलम हूँ।